हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरत कुमार, वल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 के एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो 2.1 का पहला नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न को बहुपदों में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न दिया गया है, मैं आपको बोर्ड में लिख चुका हूँ पहले से ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो इसके लिए आपको बुक में इस तरह से दिया गया है। तो आपको पी एक्स का शून्य क्या हम लोग को पूछा है, तो ध्यान दीजिए। पी एक्स का शून्य का अर्थ होता है कि ये एक्स अक्ष को, ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात कितनी बार काट रही है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग की ये रेखा को एक भी बार प्रति, ये वाला रेखा एक भी बार एक्स अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, अर्थात एक भी बिंदु पर काट नहीं रही है। इसलिए पी एक्स का शून्य हो जाएगा जीरो। आप लोग लिख सकते हैं शून्य इक्वल टू इसका मान हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट में देखते हैं, तो नेक्स्ट दो नंबर में देखिए, दो नंबर में एक्स अक्ष को जो है इसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, इसके शून्य को हो जाएगा आंसर में आप लिख के दीजिएगा एक शून्य इक्वल टू इतना तो एक। फिर इसमें तीन नंबर में देखिएगा, तीन नंबर में देखिए एक दो तीन बार इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष रेखा को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा शून्यकों की संख्या शून्य, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या भी ले सकते हैं, संख्या बराबर तीन। इसमें देखिए एक दो तीन चार बार कर रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आंसर देखे शून्यकों की संख्या संख्या बराबर चार। इसमें देखिए दो बार कर रहा है, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा संख्या बराबर दो। इसमें एक दो तीन बार कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या इसमें भी हो जाएगा तीन। तो 2.1 में इतना ही क्वेश्चन था, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। और कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 2.2 के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।